हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं, आशा करेंगे कि आप लोगों को पसंद आएगी। एक लड़का था, वो जो जब भी खाना खाया था खाता था तो वो एकदम थाली पोच कर खाना खाया करता था, मतलब कि थाली में एक भी अनाज नहीं बचता था, एक भी दाने। तो ये चीज़ देखकर उसके दोस्त उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे कि क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं है, क्या कुछ भी नहीं तुम्हारे घर में कि तुम इस तरह खाना खाते हो। तो वो बड़ा खूबसूरत जवाब देता है, तीन जवाब वो देता है कि पहला तो ये मेरे पिताजी की मेहनत है कि वो मेहनत करके इस अनाज को मेरे घर तक लाते हैं, और दूसरा इस अनाज में इस अनाज को मेरी माँ सुबह सुबह उठकर इतना जल्दी जल्दी मेरे लिए बनाती है कि मेरे को इसकी कद्र पता है, और तीसरा मैं उन किसानों का भी वो करता हूँ कि जो मतलब कितनी मेहनत से हल जोत कर और मेरे लिए ये अनाज प्राप्त करके मुझे देते हैं, तो मैं इसलिए खाना पोच कर खाता हूँ। तो उनके उसके दोस्तों की नज़र झुकी की झुकी रह जाती है, वो उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलता और वो कुछ भी नहीं बोलते। तो इसीलिए आप थाली में या प्लेट में किसी में खाना छोड़ के खाने की उसको शान मत समझें, उसको आप अच्छा समझें, क्योंकि आप एक दिन एक रोटी थाली में छोड़ोगे तो एक एक करके मतलब रोज़ छोड़ोगे तो वो बहुत सारा खाना एकत्रित हो जाएगा और एक दिन आपको उपवास रहना पड़ेगा, आपको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य देवता बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं जो व्यक्ति थाली में खाना छोड़ता है। इसीलिए हमें किसी के दिखावे के लिए कि अरे हम इतना खाते हैं उतना खाते हैं हम नहीं खाएंगे ये वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, हमको जो भी थाली में सामने आया उसको एकदम पोंछ के खाना चाहिए, ठीक है। मैं आशा करूँगी कि ये मेरी छोटी सी कहानी आप लोगों को कुछ सिखा कर जाएगी, और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखकर मेरे वीडियो को शेयर भी किया करिए तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और मैं प्यारी प्यारी कहानियाँ ज्ञान भरी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। ओके, बाय बाय।